नमस्कार दोस्तों, अजय मैथ सीकर में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन सिंपल इंटरेस्ट पे बात कर रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट पे आज जिस टाइप पे बात करेंगे वो टाइप पे बात करेंगे जब अपने पास कितने मिश्रधन दिए हुए हो, दो मिश्रधन, और हमें मूलधन पूछे या रेट पूछे उसे संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रखा है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट बोल रखा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाता है तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है। देखिए तो मूलधन हमें बताना है, कोई धन है वो 10 वर्ष में तो कितना हो जाता है भाई, 3000 रुपये। 10 वर्ष में तो कितना हो जाता है भाई, 3000 रुपये, और 8 वर्ष में कितना है भाई, 2900। 8 वर्ष में कितना है भाई, 2900। अब देखिए आप मेरे लाल, यहां से देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले 8 वर्ष में मिश्रधन था 2900, अब 10 वर्ष में मिश्रधन हो गया 3000। तो देखिए मिश्रधन यहां 8 वर्ष से 10 वर्ष हुआ है, तो देखिए टाइम कितना लग गया भाई, 2 वर्ष। टाइम कितना लग गया, 2 वर्ष। अब देखिए 2 वर्ष में ये 2900 से 3000 हुआ है, तो ये ब्याज बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 100 रुपये। कितना बढ़ा है भाई, 100 रुपये। अब देखिए 1 वर्ष का निकालिए, 1 वर्ष का निकालेंगे तो 100 में क्या किसका भाग देंगे भाई, 2 का, तो 100 में 2 का भाग दिया, कितना रुपए हो गया भाई, 50 रुपए। ये क्या आ गया है, 1 वर्ष का ब्याज, क्या आया है, 1 वर्ष का ब्याज। अब हमें देखो, मान लो यहां पे अपने पास ये क्या दे रखा है भाई, मिश्रधन, तो हम मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन बराबर क्या होता है भाई, मिश्रधन में से क्या घटाएंगे, मूलधन बराबर होगा मिश्रधन में से क्या घटा देंगे भाई, ब्याज, तब मूलधन प्राप्त होगा। तो देखिए यहां 1 वर्ष का ब्याज है, और या तो आप 8 वर्ष का ब्याज निकालो फिर उसमें से मिश्रधन में से घटा दो, या 10 वर्ष का ब्याज निकाल लो फिर इस मिश्रधन में से घटा लो, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो मैं पहले 8 वर्ष का निकाल लेता हूं भाई, 8 वर्ष का ब्याज कितना है, तो इधर भी 8 से गुणा, उधर भी 8 से गुणा, तो 8 वर्ष का ब्याज देखिए तो देखेंगे तो 50 गुणा 8 कितना हो गया भाई, 50 गुणा 8 कितना हो गया भाई, 400 रुपए। ये क्या आ गया, 8 वर्ष का ब्याज। अगर 10 वर्ष का निकालता तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, क्योंकि वहां पर घटा लेते अपन। अब देखिए मिश्रधन 8 वर्ष का मिश्रधन कितना है भाई, मूलधन निकालना है, 8 वर्ष का मिश्रधन देखिए कितना है, 2900 रुपये। 8 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 2900 रुपये। ब्याज देके कितना है, 400 रुपये। दोनों का अंतर कीजिए तो 2900 में से आप 400 घटाएंगे तो बचेगा कितना भाई, 2500 रुपये। कितना रुपये बचेगा भाई, 2500 रुपये। ये कौन सी राशि आ गई, मूल राशि। मूल राशि को आप क्या बोलते हैं भाई, मूलधन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9600 रुपये हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर निकालनी है हमें। अब देखिए मेरे लाल, इसको सोल्व करेंगे अपन, तो देखिए मेरे लाल मुझे ये बताएंगे 3.5 वर्ष का, 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 9600 रुपये। और आप मुझे ये बताएंगे 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है भाई, 8700 रुपये। कितना है भाई, 8700 रुपये। अब देखिए मेरे लाल, आप मुझे ये बताएंगे 3.5 और 2 में कितने वर्ष का फर्क पड़ा भाई, 1.5 वर्ष का फर्क पड़ा, 1.5 वर्ष का फर्क पड़ा है, तो 1.5 वर्ष मतलब 1 से 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष का फर्क पड़ा है। रुपए में कितना फर्क पड़ा है, 8700 से 9600 हुआ है, 900 रुपये का फर्क पड़ा है। ये 900 रुपये क्या है भाई, 1.5 वर्ष का ब्याज है, 1.5 वर्ष का क्या है भाई, ब्याज है ये 900 रुपये। अब आप 1.5 वर्ष को क्या लिखेंगे, 1.5 वर्ष को देखिए आप 2 एकम 2, और ये कितना हुआ भाई, 1.5 वर्ष को आप देखिए इधर में लिख के बता देता हूँ, 1.5 वर्ष को लिखेंगे 2 एकम 2, और ये कितना हो गया भाई, 3/2, ये लिखेंगे आप 1.5 वर्ष को। तो देखिए मैं इसको 1.5 वर्ष को 3/2 लिख देता हूँ, 3/2 वर्ष का ब्याज, 3/2 वर्ष का ब्याज कितना रुपये हो जाएगा भाई, वही 900 रुपये है, वही 900 रुपये है। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज पूछे तो ये उधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज देखें आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए 900, और ये उधर गया, उधर गया तो ऊपर 2 नीचे 3, तो देखिए ऊपर 2 नीचे 3, ये कटा कितनी बार भाई, 3 बार, ये कितना हो गया, 300, 300 को 2 से गुणा किया कितना हो गया, 600 रुपये। ये क्या आ गया, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। अब देखिए मेरे लाल, आगे हमें क्या पूछा है भाई, हमें ये पूछा है मूलधन बताइए। तो देखिए आप 2 वर्ष का
क्या निकालिए भाई, ब्याज निकालिए, फिर दो वर्ष की मिश्रधन में से दो वर्ष का ब्याज घटाइए, मूलधन आ जाएगा। तो दो वर्ष का ब्याज निकालेंगे अपन, दो वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का कितना है भाई 600 रुपए है, तो दो वर्ष का कितना हो जाएगा 600 गुणा दो कितना हो जाएगा भाई 1200 रुपए हो जाएगा। ये दो वर्ष का क्या आ गया भाई, ब्याज आ गया। अब देखिए हमें मूलधन पूछे, तो मूलधन पूछे तो क्या होगा, मूलधन बराबर क्या होगा भाई, मूलधन पूछे मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। देखिए मिश्रधन कितना है भाई 8700 रुपए क्या है भाई मिश्रधन है। हमें ये बताइए कि दो वर्ष का ब्याज कितना है 1200 रुपए। तो देखिए हमें पूछे कि मूलधन क्या आएगा, तो 8700 में से आप कितना घटाएंगे 1200, तो कितना रुपए आ जाएगा भाई 7400 रुपए आ जाएगा, ये मूलधन आ गया। अब देखिए हमें क्या आगे और क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो देखिए रेट निकालेंगे तो रेट क्या होगा फॉर्मेट भाई, देखिए एक बार देखिए हमें रेट पूछे, रेट बराबर क्या होगा SI गुणा 100 मूलधन इंटू टाइम। अब देखिए ब्याज यहां SI ब्याज लिखना है, अगर यहां एक वर्ष लिख रहे हो यहां एक वर्ष का ब्याज, यहां दो वर्ष लिख रहे हो तो यहां दो वर्ष का ब्याज। देखिए एक वर्ष का ब्याज लिख लेते हैं, पर एक वर्ष का ब्याज कितना है भाई 600 रुपए है गुणा 100, अपने पास मूलधन कितना प्राप्त हुआ है भाई 7500 रुपए, ये 7500। टाइम देखो यहां ब्याज कितने वर्ष का लिखा है, एक वर्ष का, तो एक लिखिए, देखिए दो बिंदु से दो बिंदु कट गई, देखिए ये 25 थी 75, 25 हो गए 100, ये 3 से कटेगा ये 6 दो बार, देखिए 4 को 2 से गुणा किया तो रेट कितना परसेंट आ जाएगी भाई 8%, कितना परसेंट आ जाएगी भाई 8%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर दो वर्ष का मिश्रधन 756 रुपए तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 876 रुपए हो जाता है, तो बताइए मूलधन तथा ब्याज की दर क्या है। देखिए इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, 3.5 वर्ष का मिश्रधन बोलिया, 3.5 वर्ष का मिश्रधन बोलिए कितना है 876 रुपए, 876 रुपए। अब दो वर्ष का मिश्रधन बोलिए भाई, दो वर्ष का मिश्रधन कितना है भाई 756 रुपए, ठीक है। यहां देखिए कितने वर्ष का फर्क पड़ा है, डेढ़ वर्ष का, 1 से 1/2 वर्ष, और रुपए में देखिए कितना फर्क पड़ा है, रुपए में देखेंगे आप तो देखिए यहां क्या हो गया 117 रुपए, कितना हो गया भाई 117 रुपए। अब देखिए हम एक वर्ष का निकाल के, एक वर्ष का ब्याज, ये ब्याज आया है डेढ़ वर्ष का 117 रुपए, हम एक वर्ष का निकालेंगे फिर दो वर्ष का ब्याज में कन्वर्ट करके दो वर्ष के मिश्रधन में से घटा देंगे। देखिए एक वर्ष का निकालेंगे, डेढ़ वर्ष को आप क्या लिखेंगे भाई, बार ही बताया था मैंने, डेढ़ वर्ष को आप क्या लिखेंगे 2 × 2 = 1, 3/2, क्या लिखेंगे भाई 3/2। अब 3/2 वर्ष क्या होगा भाई, 3/2 वर्ष का ब्याज, ये क्या है भाई 117 रुपए है, 117 रुपए हैं। हमें एक वर्ष का ब्याज निकालना है तो एक वर्ष का निकालेंगे तो 117 ऊपर जाएगा वो क्या भाई 2, नीचे आएगा क्या भाई 3, ये घटेगा देखो 3 × 3 = 9 और ये कटा के 3 × 9 = 27, कितना हुआ 39, 39 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 78 रुपए। ये क्या है एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का क्या है भाई ब्याज आया है, एक वर्ष का ब्याज आया है। अब फिर देखिए भाई हमें कितने वर्ष का चाहिए, हमें दो वर्ष का ब्याज चाहिए, दो वर्ष का ब्याज निकालेंगे अपन, एक वर्ष का 78 रुपए है तो दो वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 2 से इधर भी गुणा 2 से और उधर भी 2 से गुणा, तो दो वर्ष का ब्याज 78 को 2 से गुणा कीजिए आप, कितना होगा भाई 78 को 2 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 8 × 16 और 7 × 7 = 14 = 15, 156 रुपए, ये दो वर्ष का क्या है भाई ब्याज है। अब देखिए हम मिश्रधन में से दो वर्ष के मिश्रधन में से दो वर्ष का ब्याज घटा दें तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा, तो मिश्रधन में से क्या घटा देंगे भाई इंटरेस्ट घटा देंगे। देखिए दो वर्ष का मिश्रधन कितना है 756 रुपए है, कितना है भाई 756 रुपए है। अब देखिए ये ब्याज कितना है 156 रुपए। अब देखिए हमें मूलधन चाहिए तो 756 में से आप 156 निकालेंगे तो 600 रुपए, ये क्या प्राप्त हुआ है भाई मेरे लाल, ये क्या प्राप्त हुआ है, ये मूलधन प्राप्त हुआ है। अब देखिए हमें क्या पूछा है, रेट और पूछिए, तो हमें रेट निकालेंगे तो रेट बराबर क्या होगा, रेट बराबर होगा SI गुणा 100 मूलधन इंटू टाइम, मूलधन इंटू टाइम। देखिए ब्याज कितना है, मैंने बोला है अगर एक वर्ष का लेना है तो यहां भी एक वर्ष का लीजिए,
यहां भी एक वर्ष का लीजिए। एक वर्ष का ब्याज कितना आया था भाई अपने पास, 78 रुपए आए थे। दो वर्ष का कितना आया था, 156। तो मैं एक वर्ष का ब्याज लिख लेता हूं, 78 × 100। मूलधन बोलिए कितना है भाई, 600 रुपए। टाइम देखिए, यहां एक वर्ष का ब्याज लिया है तो यहां भी एक का ही लेंगे, तो देखिए इससे कटेगा, तो देखिए ये कट गया दो बिंदु से दो बिंदु। 78 में 6 का भाग देंगे तो 13 × 78, तो रेट कितना आ जाएगी भाई, 13%। कितनी आ जाएगी, 13%। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 250 रुपए हो जाती है तथा यही राशि 4 वर्ष में 300 रुपए हो जाती है, तो मूलधन तथा दर बताइए। देखिए हो जाती है मतलब क्या है भाई, मिश्रधन। तो देखिए 4 वर्ष का कितना मिश्रधन बोल रखा है, 4 वर्ष का मिश्रधन देखिए कितना रुपए है भाई, 300 रुपए है। और 2 वर्ष का मिश्रधन बोलिए कितना है भाई, 250 रुपए है। अब देखिए मेरे लाल क्या पड़ा है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे दो से चार हुआ है, कितना वर्ष का टाइम लगा है, 2 वर्ष का। अब देखिए ये 2 वर्ष का क्या आएगा भाई, ब्याज आएगा, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज देखिए 250 से 300 हुआ है, ब्याज ही बड़ा है तभी हुआ है। तो देखिए ब्याज कितना बड़ा है, 50 रुपए, 2 वर्ष का 50 रुपए है। और आपको 1 वर्ष में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 250 रुपए। अब 2 वर्ष का हमें ब्याज आ गया, तो देखिए हमें मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन क्या होगा भाई, मिश्रधन माइनस ब्याज। अब देखिए मिश्रधन कितना है 2 वर्ष का, 250 रुपए। अब 2 वर्ष का ब्याज कितना है भाई, 50 रुपए। अब देखिए दोनों से निकालेंगे तो कितना आएगा, 250 में से 50 निकालेंगे, 250 में से 50 निकाला तो 200 रुपए। ये क्या आ गया मेरे लाल, ये आ गया मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। हमें क्या पूछे भाई, रेट पूछे। रेट पूछे तो रेट बराबर क्या होगा, SI × 100। मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। देखिए ब्याज 2 वर्ष का ले रहे हो, यहाँ ब्याज 2 वर्ष का, तो टाइम भी 2 वर्ष का आ जाएगा। तो R बराबर ब्याज कितना ले लिया मैंने, 50, 2 वर्ष का ही ले लिया, गुणा 100। मूलधन देखिए कितना आया था भाई, 200 रुपए। टाइम देखिए यहाँ 2 वर्ष का लिया है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। देखिए 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, ये देखिए 2 से 50 कटेगा कितनी बार भाई, 25 बार। अब 25 में किसका भाग देंगे भाई, 2 का, तो रेट कितना आ जाएगा भाई, 12.5%। कितना आ जाएगा भाई, 12.5%। देखिए दोस्तों आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, क्योंकि एक ही टाइप की चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।